हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपको नेक्स्ट वीक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और इससे भी पहले मैंने आपको लास्ट वीक भी दो स्टॉक्स बताया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए दो स्टॉक्स बताऊँगा जिसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक यानी 13 अप्रैल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो स्टॉक्स के बारे में जिसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो उसमें पहला स्टॉक है हमारा केईआई इंडस्ट्री। इसको यहाँ पर मैंने बाय करने को बोला था 1250 से लेकर 1260 के बीच में, और यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस था 1350 का। तो चलिए देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट वीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केईआई इंडस्ट्री के डेली चार्ट पे आ गए। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखो तो यहाँ पर देख सकते हो इसने जो हाई टच किया था वो लगभग आपका 1320 का हाई टच किया था, और मैंने इसको बाय करने को बोला था आपका 1250 से लेके 1260 के रेंज में। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो पूरा देखा हो तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर मेरा स्टॉक्स 2% से ज़्यादा का अपसाइड मूव दिखाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के करीब ले आना। उसके बाद अनदर 2% का अपसाइड मूव दिखाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस 2% ऊपर ले आना, यानी हर एक 2% के मूव के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस 2% ऊपर ले आना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1250 से लेकर 1260 के रेंज के बीच में बाई करने को बोला था और ये हाई टच किया था 1320 का, यानी यहाँ से आपका लगभग 60 पॉइंट का मूव दिखाया था, यानी इसने ऑलमोस्ट आपका 5% का अपसाइड मूव दिखाया था। यानी आपको जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर लाना था, कहाँ तक लाना था, 2% ऊपर लाना था बाइंग प्राइस से। और जो भी लोग ऐसा किए होंगे जैसा हमने वीडियो में रिकमेंड किया था, उनको एटलीस्ट 2% का प्रॉफिट मिला होगा, अगर प्राइस नीचे भी आया होगा उसके बेसिस पे भी। तो यहाँ पे 1320 पे जाने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे कर सकते थे, 1300 पे कर सकते थे, यानी एटलीस्ट आपको यहाँ पे लगभग 40 से 50 पॉइंट का बेनिफिट जरूर मिला होगा। उसके बाद अगर ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर आप कैंडल स्टिक को देखो तो यहाँ पे आपको ऊपर में लंबा लंबा टेल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो बायर्स है उनमें यहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिल गया था। तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के भी यहाँ से निकल सकते थे, और उसके बाद अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ है वो लगभग 1280 के लेवल पर ओपन हुआ, तो उस सब देख के भी अगर आप निकलते तो भी यहाँ पे आपको लगभग 2% का प्रॉफिट मिल जाता। तो इसलिए आपको सिर्फ मेरे कॉल्स पे ट्रेड नहीं करना, आपको अपना आँख का नाक सब खुला रखना, और उसके बेसिस पे अगर आप रिएक्ट करोगे तो आप इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी गिरते हुए मार्केट में भी आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। तो जो पहला स्टॉक्स है वहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 2% का रिटर्न जरूर मिला होगा। तो यहाँ पे अब हम दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीक रिकमेंड किया था। दूसरा स्टॉक्स जो मैंने आपको लास्ट वीक रिकमेंड किया था वो था आपका सीजी पावर, और यहाँ पे आपको जो एंट्री लेना था वो 215 से 218 के करीब एंट्री लेना था, और टारगेट प्राइस था 225 का। चलिए देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया लास्ट वीक। तो यहाँ पर हम सीजी पावर के चार्ट पे आए, और यहाँ पर आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा था, और इसके बेसिस पे यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, और हमने इस वाले कैंडलस्टिक पे आपको बाय करने को रिकमेंड किया था लास्ट वीक। अगर आप इस कैंडलस्टिक को गौर से देखो तो यहाँ पे भी ऊपर में आपको एक लंबा टेल देखने को मिला, मतलब ये कैंडलस्टिक भी आपको दिखा दिया कि बायर्स में यहाँ पे वीकनेस है। ये कैंडलस्टिक देख के आपको बाय साइड की तरफ नहीं जाना था, फिर भी जो भी लोग अगर बाय साइड की तरफ गए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा क्या हुआ है, SL हिट हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी अपना आँख का नाक सारा कुछ ओपन करके ट्रेड करते तो आप ये कैंडलस्टिक देख के अपना ट्रेड अबैंडन कर सकते थे, अपना ट्रेड नहीं ले सकते थे। यही चीज़ आपको ध्यान देना कि अगर मैं आपको बाय करने को बोल रहा हूँ या फिर कहीं पे भी आप बाय कर रहे हो, इस तरह के कैंडलस्टिक का दर्शन अगर आपको हो जाए जहाँ पे आपको ऊपर में लंबा टेल दिख जाए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना, पेशेंस रखना, उसके बाद अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे तो बाय कीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप स्टॉक को और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं, जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है उसको और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि दूसरा स्टॉक्स ने मेरा SL यहाँ पे हिट कर दिया। तो जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किया था लास्ट वीक उसमें से एक स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, बाकी दूसरा स्टॉक्स ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, एकदम गंदा परफॉर्म किया। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा दो स्टॉक्स है जिसमें हमें काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है।
नेक्स्ट वीक जो पहला स्टॉक्स है जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला वो है आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पे देख सकते हैं यहां पे भी हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और फिर इसके बेसिस पे यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी देख सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको हम सस्टेनेबल ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन अभी जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो है वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको जो आपको बाय करना हो 132 से 133 के करीब ही बाय करना है, यानी ये अगर नीचे गिरता है और 132 से नीचे आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसमें आपको एंट्री नहीं लेना है 132 से नीचे आ जाता है तो, और 133 के ऊपर भी एंट्री नहीं लेना है, इस रेंज के बीच में आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है और यहाँ पर आपको SL आपको 126 का लगाना है, टारगेट 140 और 145 होगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये कंडीशनल कॉल है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता तभी आपको ये ट्रेड लेना, अदरवाइज ये ब्रेकआउट स्टॉक्स को छोड़ देना। अगर एक बार इसके नीचे आ गया तो फिर दोबारा से भी अगर ऊपर जाएगा तो इसमें हम अपना ट्रेड एक्टिव नहीं लेंगे, ट्रेड को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो पहला स्टॉक्स आपको ध्यान रखना है वो है आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 132 से 133 करीब बाई करना अगर इस रेंज में मिलता है तो, नहीं तो अगर 132 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आए तो फिर यहाँ पे हम छोड़ देंगे। दूसरा स्टॉक्स जिसमें हमें नेक्स्ट वीक अपना पोजीशंस लेना है वो है आपका अपोलो हॉस्पिटल। देख सकते हैं यहाँ पे आपका अपोलो हॉस्पिटल का डेली चार्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे आपका एसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये इसका आपका नेक लाइन है, तो यहाँ पे भी आपको बाय करना है। यहाँ पे भी कब बाय करना है आपको लेवल देखना है, यहाँ पे आपको 4700 से लेके 4740 इस रेंज के बीच में आपको यहाँ पे बाय करना है अपोलो हॉस्पिटल में। अगर इस रेंज में मिलता है तो आप पोजीशंस लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो ये आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा और ये सारा कंडीशनल कॉल है। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका होगा यहाँ पे 4620 का, टारगेट प्राइस 4900 और 5050 का होगा, तो ये भी आपका कंडीशनल कॉल है। इस रेंज के बीच में मिलता है तो आपको बाय करना, इससे नीचे या ऊपर यहाँ पे आपको पोजीशंस नहीं लेना है और 4620 का स्टॉप लॉस होगा और 49 और 5050 का टारगेट प्राइस होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ दोबारा, अगर जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो अगर 2% से ऊपर का अपसाइड मूव दिखाए तो पहला 2% के बाद आप अपना स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के आसपास ले आएंगे, यानी 2% के मूव के बाद आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर ये आपका अगला 2% का मूव दिखाया तो स्टॉप लॉस आपको वापस से 2% ऊपर ले आना है बाइंग प्राइस से। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।